बहुत ही बेहतरीन प्यारा प्रोग्राम पहले नंबर पर आ रही है आपके सामने। मिस ढिल्लम पिल्लो खेलती आ रही है इनका पिल्लो। अब मिल लो या फिर मिल लो, पैसे हो तो नगद मिल लो, ना हो तो उधार मिल लो, अपने लेटा बेटा बेच के दीजिए। आजा मेरे साले की बहना कब आएगी तू, मेरे साले की बहना कब आएगी तू, बीती जाए चिल्लो पानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। मुंशी जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, ठीक हो? चेक करके देखो, कर लो नब्ज पकड़ के देख लो भाई, बुखार चल रहा है वैसे आजकल के दौर में। और आप बढ़िया हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। कोई परेशानी, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं तो। कोई तकलीफ तो नहीं है? ना ना। ये मेरी मैया, तो फिर तकलीफ मैं ही दे दूँ? मुझे भी जरूरत ना। अरे ना ना, थोड़ी सी परेशानी है, पहले से तकलीफ है तुझे? और हाँ, तू भी कोरोना में चल रही है, चिंता मत करे, तेरे लिए कल डोज दिलवा दूंगा राकेश मास्टर से। हाँ हाँ हाँ, मुंह से गाएंगे? एक एक बढ़िया सा रिकॉर्ड लगा दो भैया। अच्छा, ये हमारे, अच्छा ये देखिए साहब, ये 10 रुपए कोई भैया, हाँ लिखे नहीं जाएंगे, कोई महान भाव, ये 10 रुपए मेरे लिए, काली थूतड़ी के लिए, स्पेशल तौर से मूत पीने को दे रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे बहुत ही बेहतरीन प्यारे रिकॉर्ड। भाई साहब विशेष फरमाइश पर एक बात आपके लिए बता दूं, आपको आज हमारी नौटंकी तो आप देख ही रहे हैं, नौटंकी आप देख ही रहे हैं, हम लोगों की, हम लोग नौटंकी भी करते हैं, नौटंकी के साथ साथ हम लोग रामलीला भी करते हैं। और आप लोगों के लिए हम बड़ी बड़ी अच्छी बातें सुनाएंगे, बड़े बड़े अच्छे भाव दर्शाएंगे। रामलीला में राम बनने वाला ये कहेगा कि मुझसे असली राम नहीं हूं, लेकिन तुम लोगों ने असली रूप नहीं देखा है हम लोगों का। हम लोगों का जो असली रूप है वो तुम्हें कब देखने को मिलेगा? अब ये हम कंपनी कर रहे हैं, रात भर यहाँ खेल करेंगे, और सुबह के टाइम पे जो बंद करके हम वहां जाएंगे भैया के मकान में, और जब खाना खा रहे होंगे तब तुम पहुंच जाओ, तब देखो हमारा असली रूप। पूरे दिन ना लड़ेंगे, पूरी रात ना लड़ेंगे, एक बार टाइम पे जरूर लड़ेंगे। कह रहे सारे जो गानों ऐसी गबत, तू गाय का हो कहा, तुम बड़े ऊंचे कलाकार हो, हमें कलाकारी दिखा रहे हो, असली रूप हमारा वहां मिलेगा। भाई साहब दशहरा कर रहे हैं बैजुई का, बैजुई में 2 दशहरे होती है, एक नए बाजार में एक पुराने बाजार में। अब हम जो कलाकारों में लड़ाई हुई है, और लड़ाई ऐसी हुई गुत्थम गुत्था दे दनादन, आपस की लड़ाई में मार धार में भैया हुलकाबाद वालों 3 कलाकार भगे, 3 भगे। और भागा कौन कौन? एक तो रावण बनने वाला, एक राम बनने वाला, एक सीता बनने वाला। और रात को सीता हरण की लीला, ना तो चुरने वाली है, ना चुराने वाला है, ना रोने वाला, सीता हरण कौन करेगा? मार साहब बोले लल्ला 3 कलाकार भगे रात को बहुत पिटेंगे। मैंने कहा चिंता मत करो, पिटने का तो नाम लो ही मत। मैंने कहा मेरा गांव है पास में ही, और मैं चुनावी क्षेत्र में अगर निकले गया तो हर गांव में कलाकार हैं, हर गांव में रामलीला होती है, शाम तक मैं लेके आऊंगा। ये हमारे आंवला नरेश आपके सामने आरती लेकर के आ रहे हैं, सभी आरती का मान सम्मान करेंगे, खाली हाथ आरती नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे आरती का। आंवला नरेश, आंवला नरेश। भाई साहब मैं धर्मशाला से निकला हूँ, इस्लाम नगर चौराहा आपने देखा ही होगा, इस्लाम नगर चौराहे पे जो मैं आया हूँ, एक चाचा जेब मोटे तगड़े काले भपंग और जेब बड़ी बड़ी मूछे गुच्छेदार, वो जूता गांठ रहे। मैंने कहा यार ये रावण बन जाए तो असली रावण है बना बना, इससे बनने की जरूरत नहीं है। मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा चाचा राम राम। बोले राम राम, और इनकी आवाज भी भयंकर है। मैंने कहा चाचा हमारा रावण भग गया, तुम रावण बन जाओगे? बोले यार रावण तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं बोलूंगा क्या? तो मैंने कहा बोलिए मत, तुम्हें तो सीता चुरानी है, तुम तो सीता को चुरा के ले जाइयो। और मैंने कहा जो तुम यहाँ ऐसे कर रहे हो रात को मत कर बैठियो। बोले यार भाग कैसे कर दूंगा, भाग तो मैं रावण हूंगा। तो मैं ठीक है पुराने बाजार में आइयो। भाई साहब वो तो सेट कर दिए। अब मैंने कहा यार दाढ़ी बनवा लूं, चलो मैं जाऊंगा चुनावी क्षेत्र में, सभी गांव के लोग जानते हैं, तो मैंने कहा दाढ़ी बनवा के चले। भाई साहब मैं नाई की दुकान में घुसा, एक हिंदू नाई का लड़का घर का, बड़ा सुंदर बहुत खूबसूरत शेविंग कर रहा, उस तरह पहना रहा। मैंने कहा यार ये राम बन जाए तो कमेटी से पास कर दे। मैंने कहा बहुत बढ़िया राम है।
तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया हमारा राम भग गया यार, तुम रामलीला में राम बन जाओगे? बोला भाई साहब राम तो मैं, और ये ना रुक गया उसका, ये बराबर चल गया, बात भी बराबर हो रही। बोला भाई साहब राम तो बन जाऊंगा लेकिन यार मुझे बोलना नहीं आएगा। मैंने कहा तू बोलिए मत, रावण आएगा तेरी सीता को चुरा के ले जाएगा, जब रावण सीता को चुरा के ले जाए तो दो चार पछाड़े मंच पर खा लिए। बोले यार तुम दो चार की बात कर रहे, मैं 10-20 खाऊं? तो मैंने 10-20 ना, तू दो चार खा लिए फिर मैंने जानी है। और मैंने भैया जो तू यहाँ ऐसे कर रहा है रात को मत कर बैठ। बोले यार पागल हो गए, मैं रात कैसे करूंगा, बात में राम बन जाऊंगा तो मैं सही है। अब मैंने कहा यार दो तो मिल गए, एक और मिल जाता। मैं दुकान से निकला हूँ भैया, हल्का बाद मारो हिजड़े जा रहे, 5-7 बधाई डाल ले उनमें, एक बड़ा चिकना हिजड़ा। मैंने कहा यार ये अगर सीता बन जाए तो मैंने कहा मौज आ जाए। अब मेरी गलती ये हो गई, मैंने दूर से आवाज लगा दी, मैंने कहा हेलो भाई साहब, जो मेरे भाई साहब कहा है भाई जब तार ऊंचो करियो, अब हाथ मेरे है गो और ऐसे रह जा, तो पब्लिक वाले कहते यार मजा कर रहे हो, जो कर तो सारे ऐसे ही रहे हो। घर है खबर जाती कि वो सुनो होरी मत बनाइयो तुम, लक्ष्मण को तो काम 35 है वो। भाई साहब मैंने कहा हेलो भाई साहब, अब वो राशन पानी लेकर मुझ पे सवार हुआ हिजड़ा। बोला अरे हा रे हा भड़ुए, आ मैं तुझे भाई साहब की तरफ से देख रही हूँ। अरे अरे मैंने कहा गलती होगी बहन जी, जैसे मैंने कहा ना गलती होगी बहन जी। बोली हाँ ये ठीक है। तो मैंने कहा बहन जी हमारी सीता भग गई है, तुम रामलीला में सीता बन जाओगी? बोली हाँ मैं सीता बन गई तो मेरे तो जोबन लग जाएंगे, पर मैं बोलूंगी क्या? मैंने कहा बोलियो मत मेरी अम्मा, तुम्हें रावण आएगा चुरा के ले जाएगा, वह उसके साथ चुपचाप चली जाइए। और मुझे तू ताली मुझ पे यहाँ पीट के पड़ी है कहीं रात को मत पीट बैठिए। बोले हाँ वहां कैसे पीट दूंगी, वहां तो मैं सीता बन जाऊंगी। हाँ तो मैंने कही तीनों पहुंच गए भैया, तीनों शाम को पहुंच गए। मालिक साहब बोले मैंने देखो ये रावण बनेंगे, ये राम बनेंगे, सीता बनेंगे, देखने के लिए तीनों सुंदर थी। हमने तीनों का मेकअप कराया भाई साहब, आरती को राम और सीता जी बिठाल दिए। अपना होता है रावण के 10 मूड, रावण के 10 मूड होते हैं, उसने खोपड़ी पर लगा के वो सिंगार में फुनफुनाता फिर रहा। हमने तो खोला आरती का पर्दा, उसने ना पूछा क्या होगा, वो तो मंच में भग गया और जाते बोला राम के बच्चे आज बेटे मैं तेरी सीता को लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा। अरे मैंने जो चोबा ठोकर लो जा पकड़ो भाई साहब, वो पकड़ के बिठा ला। अब राम जी को गुस्सा आ गया, तो राम बनने वाला बोला क्या? बोला तू सीता ले जाएगा, तू सीता ले जाएगा। अरे तू क्या सीता ले जाएगा साले, जो बड़ी बड़ी मुछल आया ना, 2 मिनट में घुस दूंगा, 2 मिनट में। अरे मेरे को जो इस तरह पहना लगू जा पकड़ के बैठा रहो भाई साहब, उसे पकड़ के बिठा ला है। अब जो सीता बनी हुई उन्हें गुस्सा आ गया, वो माइक बजा के बोली अरे हारे हा भड़ुआ क्या कह रहे, अरे क्या कह रहे हैं, सीता ले जाऊंगा ऐसे कैसे ले जाएगा बेटा, तेरे बाप का माल है, अभी तेरे मुंह पे मूत के छिड़क दूंगी। हाँ अरे मैंने डालो पड़ता ना इन्हें पिटवाई। ये बात भी हमारे साथ गुजरा, लेके चलते हैं आपके लिए अगली पेशकश मंच के दूसरे नंबर पर। अजय पाल शर्मा बघोई से आए हुए हैं, देखिए बघोई में भी बहुत अच्छा मेला लगता है 5 दिन का, और ये भी बेचारे हर साल बुलाते हैं, बघोई के बड़े ही प्रेमी हैं हमारे। ये अजय पाल शर्मा बघोई से आए हुए हैं, ये 20 रुपए खास तौर से लिखे नहीं जाएंगे, मुझे ना चीज को स्पेशल पुरस्कार दे रहे हैं भाई साहब, अजय पाल के लिए, उनकी दार दोस्तों के लिए, आई हुई समस्त जनता के लिए मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आ रही है मंडल की हीरो कलाकार मास्टर खानवीर उर्फ थानी। नहीं करूंगी मैं तुम्हें कहीं पे बुलाना चाह रही हूँ। सही बता। हाँ ए, मेरी मैया इतना क्या? एक बात बता दूं, संसार में पहली औरत है जो तू मुझे बुला रही है। हो मेरी बात में आया करूं, बोल परवारे महाराज की। ओ मेरी बाग में आया करूं और जब मैं सो जाऊं, जब मैं सो जाऊं। क्या कर रहे हो? क्या समझ गए? मैं हनुमान चालीसा पढ़ना सुना ना, हो सकता है इसके बाग में भूत भुतरिया हो, मैं हनुमान जी का पुजारी हूँ भैया। जब मैं सो जाऊं मेरी मखिया उड़ाया करूं, जब मैं सो जाऊं तुम
लोग हंस रहे हो न, तुम हंस रहे हो। एक औरत जात होकर के मूछ वाले से कह रही है मेरी मक्खियां उड़ाया करो। तेरी कंपटीशन कर रही है, जीत जाओगे मुझसे तुम, तो कंपटीशन कर रही है और क्या। लल्लू की फटफटी ने चारों तरफ नजर घुमा के देख, तुझे यहाँ मूछ वाले मर्द ही नजर आएंगे। अच्छा इधर नजर डालिए जरा, इधर क्या है, मेरी माता बहने कितनी बैठी है, ताली बजा दी सबने तो भागते दिखोगे यहाँ से। इस आंख से मुझे दिखता ही ना रहता हूँ दावे, इस साइड का ना दिखता है मुझे ना, मुझे तो इधर का ही दिख रहा है। अच्छा अशोक यादव कादराबाद की तरफ से, देखिए कादराबाद में भी रामलीला होती है। ये अशोक यादव कादराबाद की तरफ से ये 10-10 रुपए दोनों कलाकारों को स्पेशल पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन मक्खियों की कह रही है ना, और क्या मक्खियों की कह रही है ना, तो जी बता दूं, ओ तुमकुरी का मुखाया करो, तुमकुरी का मुखाया करो, मक्खियां काहे को लगे मक्खियां क्यों बैठे, तुम रोज नहाया करो, मक्खियां काहे को लगे। साली धो दूंगा ना, धो दूंगा, काम करो, से पंगा ले रही है। और मेरी रेस में साली तुझसे क्या मैं प्यारी करूं, क्यों और तुझसे क्या मैं प्यारी करूं, तेरे मूछ ना दाढ़ी है, तुझसे क्या मैं प्यारी करूं, तेरे मूछ ना। चेक पान ले, बिल्कुल पहचान ले। अब मैं जे तो मैं नकली बना का आया हूँ काजल की, हाँ तुझे असली मूछों की जरूरत है, हम बे तुझे जुगाड़ बता दूँ कहाँ, वो देख पीछे बब्बा बैठे हुए हैं उनकी मूछों को देख, तेरा मेरा चौमासा उनकी मूछों के नीचे कट जाएगा। ओ तेरी रेशम साड़ी है, ओ तेरी रेशम साड़ी है, मेरे बब्बा के पास चली जा, इनके मूछ है धारी है। और होली पे का बैंगन खाएगी, अरे जी गुजिया कचौड़ी है भैया कहूं चले जाओ। हो मेरे हाथ तुम्हें झाड़ू तुझसे क्या मैं प्यारी करूं, और तुझसे क्या मैं प्यारी करूं, ले यार तेरी देख जी आ गया अशोक यादव, हमारे ठेकेदार हैं देसी शराब ठेका के कादराबाद, इसे पहचान गई अशोक यादव निवासी कादराबाद, ठेका देसी शराब के ठेकेदार हैं, 20 रुपए दोनों कलाकारों के लिए स्पेशल पुरस्कार, ठेकेदार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तुझसे क्या मैं प्यारी करूं, तू तो जन्म का भाड़ू है, तुझसे क्या मैं प्यारी करूं, तू तो जन्म का भाड़ू है। भाड़ू कह रही है तैयारी, एक फरफरी में सब झींगा झाड़ दूंगा भाड़। और तुम हंस रहे हो, मतलब एक औरत जात होकर के मूछ वाले से कह रही है भाड़ू है, अच्छा इसमें मेरी बेइज्जती खराब है तुम्हारी ना भैया, पैसे ले लो। ₹10 श्रीमान अशोक घोंसली मोकम, ये ₹10 भैया अशोक घोंसली मोकम से आए हुए हैं, दूध पीने को दे रहे हैं, धन्यवाद। सुन तुझे कसम है साली, ये बच्चा है, बच्चे की छोड़ तू, हाँ तूने मुझे भाड़ू कहा है, भाड़ू कह दिया, अब तेरी पोल खोलूंगा मैं। क्या खोलोगे? अभी ये खोल दूँ इसकी पोल, तुझे कसम है, सच सच बताइए ये क्या है, ये डंडा है, इसके आगे क्या है, ये टोपा है, यही खतरनाक है, हंसने की बात ना, खतरनाक कैसे, अब बताइए क्या हो गया, अब तो झंडी सी लग रही है। सवेरे को तुम्हारे हल्का बाद में ऐसे निकल जाओ तो सब नोए क्यों, कहा लक्ष्मण यार होली पे झंडी सी ले फिर रहे हो तुम,
तो इसकी पोल खोल दूं और मेरे हाथ में झंडी है, मेरे हाथ में झंडी है, कैसे तुझे प्यार करूं, चल चल कैसे तुझे प्यार करूं, तू तो जन्म से रंगी है, कैसे तुझे प्यार करूं, हो मेरी आंख में कजरा सुन, हम तुम दोनों में कोई बात हो गई, बर्दाश्त कर, ये होलकाबाद के लोग तो आनंद लेते हैं, हमें तो चल घर चल रहे, और तुझसे क्या मैं प्यार करूं, तू तो जन्म से ही जीना आए हिजड़ा बता रही है, हंसो रहे हो और तुम यार हंसो रहे हो, मैं इस चक्कर में पड़ गया कि ये मेरे पास में तो आई ना तो पता कैसे चल गया, एरी हाँ हिजड़ा बता रही है, कौन हो तुम, अभी बता दूं, क्या बताओ, अभी बता दूं, बता दे, सब लोग ऐसी तालियां बजी इसकी साली की जो इधर एक के ठूठों में मारी फिरे, हाँ हाँ सुन, पर बाहर से तू उजली है, मैं कैसे तुझे प्यार करूं, तेरे भीतर खुजली है, भाई सिसोदे जी से हार तो माननी पड़ेगी, जीत गए आप, देख रहे हैं आप, आकाश में तारा है, आजा तुझे प्यार करूं, खा कह रही है, और आजा तुझे प्यार करूं, पट गई अम्बे, ए मेरी मैया, और आजा तुझे प्यार करूं, तू तो भला में हमारा, आजा आकाश में पानी है, नारायण की तू नानी, हेलो हेलो, ठहरे हुए पानी में, एक बहुत ही सुंदर गीत फिलिप दलाल से लेकर आई है, ठहरे हुए पानी में कंकर, ठहरे हुए पानी में, फिर वही हमारे जाने पहचाने अशोक यादव ठेका देसी शराब का ठेकेदार, ये अशोक यादव दस रुपए फिर विश्लेषण पुरस्कार मिला, चीज की दूध दूध दे यादव साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कहां है अशोक, पीछे आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे, तेरे हुए पानी में कंकर ना मार, सापिनी मन में हलचल सी नाची जाएगी,
तेरी हुए ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरी। इसी पर खुश होकर के आ गई, ये 100 रुपए का स्पेशल पुरस्कार लिखा नहीं जाएगा। ये जो प्यारी प्यारी और मधुर मधुर आवाज आपके कानों तक पहुंचा रहा है, आपके क्षेत्र में धूम मचा रहा है, ग्रीस साउंड सर्विस सोबरनपुर की तरफ से। जी हाँ, ग्रीस साउंड सर्विस सोबरनपुर की तरफ से बढ़िया डीजे साउंड के लिए संपर्क करें हमारे ग्रीस यादव जी से। ये हमारे ग्रीस साउंड के ग्रीस यादव जी मालिक साहब, 50 रुपए आपके लिए और 50 रुपए मेरे लिए स्पेशल पुरस्कार दे रहे भाई साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी में कंकर न मार साहब।